अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई हो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है गाइस, सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है अपना, मैंने अपने मवेशियों का चारा जो है वो बना लिया है। तूरी भाई आपको राजू से मिला था। तो गाइस सबसे पहले जो है यहाँ पर डॉन भाई खड़े हुए हैं। क्या हाल है डॉन भाई, ठीक हो? तबीयत शबीयत ठीक है आपकी? कैसे हो? क्या हाल चाल है? ठीक हो आप? बड़े मस्त लग रहे हो आज। आज क्या हुआ कि आप इतने बहुत खुश हो? क्या हो गया? बस ये जो है मुझे देख के बहुत मस्ती करने लग जाता है। ये देखो, जब तक मैं अपना हाथ इसे नहीं दूँ ना, तब तक ये आराम नहीं करता। ये देखो अभी फिर से मेरे पीछे आएगा। ये देखो कि मैंने आपको कहा था, ये देखे राजू अपना अपनी तुड़ी खा, अपना चारा जो है, अपना खाना जो है वो खा रहा है। ये देखें राजू भाई, क्या हाल चाल है? इधर सलाम तो कर दो। हेलो भाई साहब। हेलो मेरा गोलू, कितना प्यारा लग रहा है, इधर सलाम तो करो। लगता है ये भाई साहब बहुत बोर हो रहे हैं। तो ये रहा हमारा मस्जिद वाला जो है वो क्या नाम है अपना मवेशी। और इस साइड पे ये देखें, ये बहुत भी ज़्यादा वो क्या कहते हैं गुस्से वाला है। और इस साइड पे वाइट वाला खड़ा हुआ है, वाइट थेन इसका नाम है। और वो जो है मसीद वाला है, और इसका नाम मैंने अभी कुछ रखा नहीं है। तो इस साइड पे जो है राजू खड़ा हुआ है। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है। कुका ये गाइस, ये दो भाई थे ना, एक ये था और इसका एक बड़ा भाई था। जो बड़ा भाई था इसका, वो जो है वो बिक गया था और उसकी जगह इसने ले ली। एक जो हमारा काला मवेशी था ना गाइस, वो बार बार जो है ना, ये जो बांस लगा हुआ है ना, ये वाला इसे जो है ना ऊपर उठा के नीचे आ जाता था, ताकि उस साइड पे जो है ना वो जितना भी घास पड़ा हुआ है ना हरे वाला, वो खा लेता था। तो क्या नाम है अपना, फिर वो जो बिक गया उसकी जगह इन भाई साहब ने ले ली। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये दोनों वो क्या नाम है एक दूसरे के भाई थे, एक दूसरे के पार्टनर थे। अच्छा खैर जो भी है, हमें क्या लेना है देना इससे। तो गाइस इन्हें जितना भी वो समझाओ ना, फिर ये जो है ना ये बांस को गिरा के नीचे उतर आते हैं। ये क्यों उतरते हैं इनसे पूछते हैं। भाई साहब आप बांस क्यों उतार के नीचे आ जाते हो? इधर 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 जवाब तो दे के जाइए भाई साहब, प्लीज़ प्लीज़ जवाब दीजिए, क्या हुआ? गाइस अभी जो है ये जवाब नहीं दे रहे, तो इन भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब आप इतना नाराज़ क्यों हो, क्या हुआ? ये भाई साहब बोल रहे हैं मुझे हाथ नहीं लगाओ वरना मार दूंगा मैं तुम्हें। बस इस साइड पे जो है मेरा राजू खड़ा हुआ, ये देखें ये प्यार से पेश आता है। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन एक दो दफ़ा मैं पहले मारता था, अभी मुझे वैसे ऐसे मार देता था, ऐसे हल्का सा ना, ऐसे ऐसे मार देता था, फिर ये गुस्सा हो जाता था। अभी जो है ना गाइस मैं ऐसे नहीं मारता, क्योंकि ये जो है ना बहुत प्यारा मवेशी है राजू। ये जब मैं बैठा होता हूँ तो इसके साथ भी बैठ जाता हूँ, इसके हाथ या पैर के ऊपर जो है ना आके बैठ जाता हूँ। ये खुद खेलता है, मुझे भी खेलने देता है। तो गाइस अल्लाह का फरमान यही है कि आप मवेशियों से प्यार करोगे तो वो भी प्यार करेंगे। अब जैसे आपने देखा है मैं राजू को हाथ लगा रहा हूँ ना, तो कुछ भी नहीं कहता। डॉगी को हाथ लगाया वो भी कुछ नहीं कहता। इनकी वजह तो गाइस ये होती है कि आप इनसे प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। आखिर इन्हें मारोगे तो ये भी आपको अपना गुस्सा दिखाएंगे कि आपने मारा है। तो फिर हम इन्हें मारते हैं तो ये अपने दिल में सोचेंगे कि अल्लाह इन्हें मत मारना, इन्हें सज़ा मत देना, इनसे बदला हम लेंगे। तो कयामत वाले दिन ये बदला तो लेंगे ना हमसे, क्योंकि गलती तो हमारी है ना, हम इसे नहीं मारे हैं। हम इसे अगर प्यार से पालेंगे ना, ये प्यार से हमारे पेश आएंगे। और इस साइड पे देखें ये साहब अभी भी गुस्सा हो रहे हैं। ये देखें, अबे भाई साहब क्या हुआ, क्या हो गया भाई साहब, क्या हुआ? गाइस इस साइड पे जो है ये वाइट वाला खड़ा हुआ है, आप क्या हो, क्या हुआ? गाइस इस साइड पे जो है राजू अब मैं चारा खा रहा है। ये देखें मस्त से लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, माशाल्लाह लगा पड़ा है। गाइस इन्हें जो है सुबह सुबह भूख लग जाती है, जैसे कि हम अपना नाश्ता कर दें पराठों के साथ और लस्सी के साथ, चाय के साथ और सालन के साथ, तो इन्हें भी भूख लगती है। ये देखें अभी ये मस्ती से जो है राजू को मार रहा है।
राजू भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? अब खाओ खाओ, ये देखो ये मैंने यहाँ पर पानी भी भर रखा है, अब आराम से खाओ आराम से। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, क्या हुआ क्या हुआ राजू, आप गुस्से में हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, किसने मारा मेरे भाई को, किसने मारा, किसने मारा तुझे? कोई नहीं नहीं मारे इन्हें। ये देखो कैसे कैसे आराम से खा रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं। ये देखें मैंने कहा कि इसे आपने नहीं मारना, ये देखें मज़े लगा पड़ा है। अबे तुझे क्या हो गया, तू क्यों मार रहा है मुझे, तुझसे बात की है मैंने, चल भाग इधर से, हट हुर 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 हुर। गैस ये देखें इसमें जो है मैं हरा घास डालता हूँ, और जो है वो क्या नाम है गंदम का जो वो अपना बाकी हिस्सा होता है उसमें वो भी शामिल करते हैं। और आइए आपको बाकी कुछ भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या मिला। तो गैस इस साइड पे जो है हमारी प्यारी सी बकरी खड़ी हुई है जो कि मेरे पापा लेके आए थे वो रेगिस्तान से 40,000 रुपये की। तो क्या नाम है अभी जो है ये हमारे घर भी आ चुकी है, ये देखें। और इसके लिए जो है हरी हरी घास भी पड़ी हुई है, और इन ये साहब बोल रहे हैं कि मुझे जो है ना और चाहिए, लेकिन हम आपको और कैसे खिलाएं, आप पहले वाला तो ख़त्म करो। तो ये गैस ये देखें इस साइड पे जो है ये पड़ा हुआ है डाला, डाला वो क्या नाम है वो अपना जो मकाई नहीं होती वो भी है इसमें, और अपना इसमें है वंडा भी है। और ये जो है ना गैस हम जो है ना सुबह सुबह मवेशियों के घास में जो है ना वो डाल देते हैं इस तरह। फिर ये जो कटोरा है ना इसे इतना भरते हैं, ये देखें ये दो दो जो है ना ये वाले ये जो है ना इस तरीके से हम इन्हें भर के जो है ना ऐसे इसमें ऐश शामिल करते हैं ताकि ये जो है ना आराम से जो है ना भर जाए इस तरह से। ये देखें ये तो गाइस ये जो है महीने में तकरीबन हमारे राजू साहब और वाइट वाला जो मवेशी है वो एक मस्जिद वाला है, और एक जो चौथा खड़ा हुआ है वो जो है इस साइड पे जो है ना ये आराम से खा लेते हैं, क्योंकि हम अगर इन्हें नहीं डालेंगे तो ये अपना क्या नाम है घास भी नहीं खाएंगे, और ये जो है ना अपना ये क्या नाम है अपना ये जो गंदम का जो बाकी हिस्सा होता है वो भी नहीं खाएंगे। तो हम इसमें ये ऐड करते हैं, ये देखें ये जो इसका बाकी हिस्सा है हम ये ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि जो है ना ये हरा घास भी खा लें और गंदम का जो बाकी हिस्सा है वो भी खा लें आराम से। तो ये गैस ये इसलिए डालते हैं, माल भी आराम से खाता है, और जो उसका गोश्त होता है तो वो भी जो है ना मोटा होता है और बड़ा होता है, और लंबाई चौड़ाई उसकी जो है ना मवेशी की ज़्यादा हो जाती है। तो ये अगर हम ये नहीं डालें तो मवेशी जो है ना नहीं खाते मज़े से, घास आधा खाते हैं आधा रख देते हैं। तो इसमें जो है हम आटा भी वो करते हैं, आपको आटा भी दिखाऊंगा कि आटा इसमें कितना डालते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और वीडियो को बताना क्या मैं रोज वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं, ये आप कमेंट में बताऊँगा। वैसे जैसे कि मैं अभी राजू को बुला रही हूँ, देखिए कितने प्यार से आ रहा है, क्योंकि ये राजू मेरा जो है। गाइस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, ये आपकी आपके दिल की मर्ज़ी है। अगर आप बोले तो मैं बनाऊँ, नहीं बोले नहीं बना सकता हूँ। वैसे मैं पूछ रहा था, मैंने कहा अगर आपकी क्या सलाह है मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, वो तो हर किसी की मर्ज़ी होता है, कोई कोई बोलते हैं नहीं बनाओ, कोई कोई बोलता है बनाओ। अगर आप मवेशियों से बहुत प्यार करते हो तो कमेंट में भी लिखना। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।